देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां सब बार एसोसिएशन के एडवोकेट सुभाष सियाग बने प्रधान। उप तहसील भट्टू कलां के कार्यालय प्रांगण में शनिवार को सब बार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तहसील कार्यप्रणाली की सुचारू रूप से चलाने के लिए सब बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव समिति सदस्य संजीव राणा, बलविंदर सिंह भट्टू, खुशीराम खुरबास की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। इस कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से एडवोकेट सुभाष सिया को प्रधान, रोहतास परिहार को उप प्रधान, अमन भट्टी सचिव, राजेंद्र प्रसाद वर्मा कोषाध्यक्ष, राहुल शर्मा सह सचिव मनोनीत किए गए। प्रधान सुभाष सियाग ने बताया कि उप तहसील में वकीलों व लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए एक सोसाइटी का गठन किया गया है। इसके माध्यम से वे समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर रणदीप बेनीवाल, अनिल माचरा, जसवंत गोदारा, सुरेंद्र साई, राम कुमार फोगाट, राजीव सिहाग, सतवीर भट्टू, अजय बेनीवाल सहित अनेक बार एसोसिएशन सदस्य मौजूद रहे। भट्टू कलां के माचरा मंडी में नवरात्रा महोत्सव को लेकर हवन यज्ञ हुआ आयोजित। भट्टू कलां जय मां दुर्गा मंडल माचरा मंडी द्वारा नवरात्रा महोत्सव की तैयारियों को लेकर शनिवार को हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ के दौरान पुजारी विष्णु ने मंत्र उच्चारण कर क्षेत्र के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। मंडल प्रधान सुमित गोयल ने बताया कि 7 अक्टूबर को माचरा मंडी में नवरात्रा महोत्सव शुरू किया जाएगा जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर को ज्वाला जी से लाई गई ज्योत माता दुर्गा पूजा स्थल पर स्थापित की जाएगी। इसके बाद 14 अक्टूबर को विशाल जागरण होगा व 15 अक्टूबर को माता की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। इस अवसर पर सुमित गोयल, टोनी, सुनील गोयल, संजय बिहारी लाल, प्रदीप सरोहा, सुजल कार्तिक सहित अनेक मंडल सदस्य उपस्थित थे। गांव पीली मंदोरी में मनरेगा मजदूरों की ग्राम सभा हुई आयोजित। गांव पीली मंदोरी में शनिवार को मनरेगा ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जगदीश कुमार ने की। इससे पूर्व मनरेगा मजदूरों ने गांव में जागरूकता रैली निकालकर हमारा पैसा हमारा हिसाब के बारे में मजदूरों को जागृत किया। बैठक के दौरान मजदूरों की शिकायतें भी सुनेंगी। वीआरपी चिरंजीलाल को मजदूरों ने बताया कि उन्हें 100 दिन का पूरा रोजगार नहीं मिल रहा। पशु सेट भी गांव में बहुत कम आए हैं, किए गए काम के रुपए समय पर मजदूरों को नहीं मिल रहे। मजदूरों ने बैठक में अपनी मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने की मांग भी की। इस दौरान 2020-21 मनरेगा सोशल ऑडिट किया गया और 11 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई। बैठक के दौरान ग्राम सचिव सुरेंद्र कुमार, वीआरपी सुभाष चंद्र, चिरंजीलाल, सुशीला गोकल, संतोष धर्मपाल, रणबीर, रामनिवास, बजरंग, भाल सिंह, सुल्तान, बिमला, कविता, सुमन सहित अनेक मनरेगा मजदूर उपस्थित रहे। भट्टू कलां में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति जिला अध्यक्ष राकेश ने झज्जर में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की। भट्टू कलां में शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति जिला अध्यक्ष राकेश ने शुक्रवार को झज्जर में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि झज्जर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का दौरा था, किसानों ने उनका विरोध किया जिसके बदले में किसानों पर लाठियों से वार किया गया जिससे किसान घायल भी हुए। भारतीय किसान यूनियन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अंग्रेजों जैसी नीति अपनाए हुए है, इस नीति को हरियाणा प्रदेश में किसान नहीं चलने देगा।